हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी सीरम को घर पे बनाने के तरीके। मार्केट में विटामिन सी सीरम इतना ज़्यादा महंगा, इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि सब लोग परचेस नहीं कर पाते हैं, सब लोग नहीं ले पाते हैं विटामिन सी सीरम को। तो मैं इसको घर पे बनाने के तरीके आपको बताऊँगी। क्या आपको पता है स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें एक दिन में कितना विटामिन सी की ज़रूरत होती है, हमारी स्किन को कितनी विटामिन सी की ज़रूरत होती है एक दिन में। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें एक दिन में 75 mg से 100 mg विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन सी की ज़रूरत होती है। ये विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं बनता है, सबको पता होगा फ्रेंड कि विटामिन सी बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत खट्टे फलों से, जैसे ऑरेंज हुआ, नींबू हुआ, आंवले हुए, या फिर हरी सब्जियों में बहुत अच्छे विटामिन सी मिलते हैं। तो इसकी ज़रूरत हम खट्टे फलों से, खट्टे सब्जियों से प्राप्त करते हैं, पूरी करते हैं। विटामिन सी की कमी से स्किन पर तरह तरह की एलर्जी होने लगती है। जब विटामिन सी की कमी हमारे स्किन पे पड़ती है तो हमारे स्किन में तरह तरह के एलर्जी होने लगती है। विटामिन सी की कमी हमारे अंदर होती है तो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और जो हेयर ग्रोथ होता है, हेयर बढ़ना रुक जाता है, हेयर पड़ता ही नहीं है, हेयर ग्रोथ रुक जाती है, और हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं। जब विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे हेयर फ्रिजी हो जाते हैं और घुघराले होने लगते हैं। विटामिन सी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स या निवेश प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, निवेश प्रोडक्ट की सफाई करता है, और जो हमारे स्किन के डैमेज टिश्यू होता है उसको रिपेयरिंग करता है। सो फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया है विटामिन सी हमारे स्किन में क्या वर्क करता है। विटामिन सी सीरम स्किन पे डेली यूज करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो रिंकल्स बनना कम हो जाते हैं, जो एजिंग स्किन होना स्टार्ट हो जाती है, जो एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो रिंकल्स बनना कम हो जाता है। जो स्किन की फाइन लाइंस होती है, दाग धब्बे हो गए, उसको कम कर देता है। सो फ्रेंड, आइए जानते हैं कि हम घर पे बैठे बैठे विटामिन सी सीरम कैसे बना सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ऑनलाइन लेनी होगी जो कि अमेजोन पे मिल जाएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम को घर पे बनाने के उपाय। विटामिन सी का एक्टिव फॉर्म जो स्किन के अंदर जाके उसको ठीक करता है, विटामिन सी का एक्टिव फॉर्म जो स्किन के अंदर जाके उसको ठीक करता है वो है एल एस्कॉर्बिक एसिड, जो स्किन के अंदर जाके स्किन को रिपेयर करता है वो विटामिन सी में मिलता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड। तो आइए जानते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है फेस सीरम बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमको एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर चाहिए, 200 ml, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। वेजिटेबल ग्लिसरीन चाहिए हमको 200 ml। डिस्टाइल्ड वाटर चाहिए 250 ml। इसकी क्वांटिटी से आप घर पे कई बार फेस सीरम बना सकते हैं, कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, याद रखें कि इस फेस सीरम को बनाने के लिए आपको गहरे रंग का बॉटल लेना होगा। एक कांच का गहरे रंग का बॉटल लीजिए, हाफ टी स्पून एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर लीजिए और 30 ml डिस्टाइल्ड वाटर लीजिए। उसको, उस क्वांटिटी को कांच के बॉटल में रख के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से उसको हिला लीजिए। वो जब अच्छे से दोनों मिक्स हो जाएगा, उसमें 1 tsp ग्लिसरल डाल के उस बॉटल को अच्छे से हिला लें, और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 10 दिनों तक रख लें। ये रेमेडी आपको 10 दिनों तक चल सकती है फ्रेंड। 10 दिनों के बाद आप फिर से इसे पुनः बना लें, जो आपने ऑनलाइन परचेस किया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, वेजिटेबल ग्लिसरीन और डिस्टाइल्ड वाटर, ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। अगर आप रात में
अगर आप रात में विटामिन सी सीरम अपने फेस पे यूज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि नाइट टाइम हमारी स्किन फ्री होती है, नाइट टाइम हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्री होती है और स्किन केयर नाइट में बहुत अच्छा होता है। मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको यही बताया हुआ है कि नाइट टाइम स्किन केयर बहुत ही अच्छा होती है। तो आप विटामिन सी सीरम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, उससे अच्छा है कि ये विटामिन सीरम आप घर पे बना सकते हैं और जैसे ख़त्म होगा आप पुनः बना सकते हैं। और ये विटामिन सी मैंने खुद यूज किया है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और याद रखिए फ्रेंड कि जब भी आप विटामिन सी सीरम बना रहे हैं तो जो एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर है उसको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, उसको हाफ स्पून लेना है। और जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको 30 ml लेना है और 1 स्पून ग्लिसरीन लेना है और तीनों को मिक्स कर लेना है। याद मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, 99% बोल सकती हूँ कि ये आपकी स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको दिन में यूज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो आप फेस वॉश कीजिए, फेस को क्लीन करने के बाद आप इस सीरम को लगा सकते हैं। इस सीरम को लगाने के आधे घंटे बाद आप कोई SPF लगा सकते हैं। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।